नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम हैं आपके साथ अभिषेक यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया है। जी हाँ, अभी अभी महागठबंधन में सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन में हिस्सा ले लिया है। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और महागठबंधन के तरफ से उनको तीन सीट मिलने जा रहा है। जो उनका सोच था, जो उनका मांग था, जो डिमांड था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखा है। और महागठबंधन के साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया है और तीन सीट उन्हें महागठबंधन की तरफ से, जो कि राजद के खाते में 26 सीट था, उस 26 सीटों में से तीन सीट, जिसमें पहला सीट और एक हॉट सीट था भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है मोतिहारी सीट भी मुकेश सहनी के खाते में गया है। एक झंझारपुर सीट है, वो मुकेश सहनी के खाते में गया है। और एक गोपालगंज सीट है, जो कहीं ना कहीं राजद का दबदबा रहा है गोपालगंज सीटों पर, वो सीट भी मुकेश सहनी के खातों में गया है। और यहाँ तेजस्वी यादव ने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तीन सीटों पर मुकेश सहनी को लड़ने का जो है ये सूचना दे दिया है। अब मुकेश सहनी अब कौन कौन से उम्मीदवार बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, ये भी आगे देखने को आपको मिलेगा कि मुकेश सहनी आखिरकार कहाँ से, झंझारपुर से लड़ते हैं, गोपालगंज से लड़ते हैं या मोतिहारी से लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सहनी जी के आने से महागठबंधन में एक मजबूती आई है। और जो मुकेश सहनी पिछले दिनों काफ़ी संघर्ष करके, जहाँ तक आप जो देख रहे थे कि मुकेश सहनी लगातार लोगों को बिहार और झारखंड और यूपी में जा करके लोगों को संकल्प दिला रहे थे और गंगाजल हाथों में रखवा करके संकल्प दिला रहे थे कि सहनी समाज इस बार उनके बेटा के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो मामला साफ हो गया है कि सहनी समाज जो है, बिहार के तमाम सहनी समाज इस बार महागठबंधन के साथ जाएगा और महागठबंधन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सहनी जी के आने के बाद, यानी मुकेश सहनी जब महागठबंधन में एंट्री हुई है, तीन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन अब जो मोदी जी के 400 पार में, यानी इस बिहार के 40 सीटों की अगर बात करें, तो इसमें महागठबंधन कितने सीटों पर कब्जा जमा पाएगी, ये आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।